इंस्टीट्यूट में बात करेंगे, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में NMMS स्कॉलरशिप स्कीम के लिए कैसे स्कॉलरशिप को अप्लाई किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में फाइनल सबमिट तक बताने वाला हूँ। जो स्टूडेंट क्लास 8 में NMMS का एंट्रेंस का एग्जाम पास करते हैं, उस स्टूडेंट को क्लास 9, 10, 11, 12 चार साल तक 12,000 रुपए करके स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलता है। मतलब स्टूडेंट क्लास 8 में एंट्रेंस का एग्जाम देंगे, फिर पास करेंगे, उसके बाद 9th में एडमिशन कराएंगे, तब 9th में NMMS स्कॉलरशिप स्कीम के लिए वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद जब स्टूडेंट क्लास 10th जाएंगे तो वही फॉर्म को रिन्यूअल करेंगे, फिर 11th में भी रिन्यूअल, फिर 12th में भी रिन्यूअल। तो कैसे आप लोग को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में NMMS स्कॉलरशिप स्कीम के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई करना, उसका स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आप NMMS एग्जाम दिए, NMMS का रिजल्ट को डाउनलोड कर लिए और आपका अगर NMMS में मेरिट लिस्ट में नाम है, जैसे कि देख सकते हो बहुत सारे स्टूडेंट हर साल NMMS का एग्जाम देते हैं और क्वालिफाइड करते हैं, और अगर रिजल्ट आप पास कर गए तो देख सकते हैं आपको कैसे अभी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना, उसको देख लीजिए। क्योंकि अगर आप NMMS का एग्जाम पास भी कर जाते हैं, जैसे रिजल्ट में आपका नाम है और आप पास कर गए और आप स्कॉलरशिप के लिए अगर अप्लाई नहीं करेंगे, तो आपको 12,000 रुपये करके स्कॉलरशिप ऐसे ही नहीं मिलेगा, आपको नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल के द्वारा आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करना होगा एक स्कीम के लिए, जो स्कीम ओपन होगा नेशनल मीन्स की मेरिट, तब इसमें सेलेक्ट करके जैसे स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे फिर आपका फॉर्म वेरीफाई वगैरह होगा, उसके बाद आपको पेमेंट रिसीव होगा। अभी कैसे अप्लाई करना देखिए, सबसे पहले आप अपना मोबाइल का कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए, जैसे गूगल क्रोम ब्राउज़र हो गया, या फिर कंप्यूटर से ही आप लोग अप्लाई करेंगे कैफ़े वगैरह में, तो देख लीजिए कैसे अप्लाई करना। गलत स्कीम कोई भी नहीं सेलेक्ट करेंगे। अगर आप NMMS यानी कि नेशनल मीन्स की मेरिट एग्जाम पास किए, NMMS का स्कीम के लिए अप्लाई करना, तो आपका स्कीम उसको बोल देना है, अगर बाहर से अप्लाई करेंगे तो उनको बोल देना है कि नेशनल मीन्स की मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम में ही अप्लाई करेंगे, कोई भी अदर प्री मेट्रिक या पोस्ट मेट्रिक स्कीम में नहीं अप्लाई करेंगे, नहीं तो पैसा कम मिलेगा, 12,000 रुपये करके नहीं मिलेगा, तो इस बात का भी ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आप लोग को गूगल ओपन करना है, गूगल में आप लोग को लिखना है इस प्रकार NSP, सिर्फ ओनली NSP तीन वर्ड का लिखना है। फर्स्ट वाला एक वेबसाइट ओपन होगा जो नेशनल स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट का वेबसाइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसमें अभी वेबसाइट को थोड़ा डिज़ाइन चेंज कर दिया गया, नया डिज़ाइन किया गया। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन इधर दिया गया है, देख सकते हैं एप्लीकेंट कॉर्नर में, तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। फॉर एकेडमिक ईयर 22-23 आ रहा है जैसे कि देख सकते हैं, इधर लेफ्ट साइड में नहीं जाना, इधर प्री मेट्रिक पोस्ट मेट्रिक SC कैटेगरी के स्टूडेंट का है, और इधर है NSP का NMMS स्कीम के लिए। तो NMMS एग्जाम अगर SC स्टूडेंट भी पास किए हैं या अदर किसी भी जनरल स्टूडेंट OBC ST SC EWS कोई भी स्टूडेंट जो NMMS पास किए हैं NMMS स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे, तो राइट साइड से ही अप्लाई करेंगे, चाहे SC रहे, ST रहे, जनरल रहे, OBC रहे, कोई भी कास्ट रहे, इधर राइट साइड वाला में ही क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। तो हम राइट साइड में क्लिक कर दिए, उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे तीनों को टिक करना है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और कंटिन्यू में क्लिक करना है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन आ गया। अभी यहाँ पर स्टेट डोमिसाइल, आपको अपना घर का जो आपका घर है जहाँ आपका डोमिसाइल स्टेट को उसको सेलेक्ट करना है, आप लोग अपना अपना सेलेक्ट करेंगे, हम अपना ले लिए। स्कॉलरशिप कैटेगरी यहाँ पर आएगा, तो जो NMMS एग्ज़ाम क्वालिफाइड करेंगे तो क्लास 8 का स्टूडेंट NMMS एग्जाम देंगे और 9th में वो जाएंगे और एडमिशन कराएंगे। तो क्लास 9th में स्टूडेंट अप्लाई करेंगे तो क्लास 1 से लेकर 10th तक प्री मेट्रिक होता है, तो आपको प्री मेट्रिक सेलेक्ट करना। जो 10th पास कर जाता है 11, 12 में है, वो लोग पोस्ट मेट्रिक के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको तो प्री मेट्रिक में ही अप्लाई करना क्योंकि क्लास 9th में आप है। और अगर आप 11th में फॉर्म को रिन्यूअल करना चाहते हैं तो पुराना एप्लीकेशन नंबर से ही आप लोग यहाँ पर पोर्टल में आके रिन्यूअल वाला ऑप्शन में लॉगिन करके रिन्यूअल करेंगे, ठीक है। तो अभी आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्री मेट्रिक से ही अप्लाई करना होगा, उसके बाद आप जब 10th में जाएंगे तो रिन्यूअल करेंगे, 11th में जाएंगे तो उसी फॉर्म को उसी एप्लीकेशन IT पासवर्ड से आपको फिर से रिन्यूअल करना, वो ऑटोमेटिक प्री से पोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। 12 में भी जाएंगे तो आप सेम एप्लीकेशन IT पासवर्ड को रिन्यूअल ही करेंगे, दोबारा आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, एक बार प्री मेट्रिक में ही आप अप्लाई कीजिए, उसके बाद रिन्यूअल कीजिए, ऑटोमेटिक वो रिन्यूअल होगा, ठीक है। अभी हम देख सकते हैं NMMS अप्लाई कर रहे हैं, तो झारखंड अपना डिस्ट्रिक्ट ले ली, स्टेट ले लिए, आप लोग अपना अपना स्टेट लेंगे, फिर कैटेगरी प्री मेट्रिक ही होगा क्योंकि स्टूडेंट अभी क्लास 9th में है, फर्स्ट टाइम जो अप्लाई कर रहे हैं 9th में रहता है। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का नाम फिल करना है, स्कॉलरशिप यहाँ पर स्कॉलरशिप स्कीम लेना है,
उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार टाइप करना है, जैसे आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार आप लोग को डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है। ठीक है, आप लोग अपना अपना लेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो है, मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, आईएफएससी कोड अपना बैंक का आईएफएससी कोड को सही से लिखेंगे, कंफर्म करेंगे, बैंक अकाउंट नंबर को सही से लिखेंगे, जो भी बैंक अकाउंट के साथ आधार लिंक है वही बैंक अकाउंट देंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर है तो बहुत अच्छा उसी को डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर को कन्फर्म करेंगे। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में आधार नंबर सेलेक्ट करेंगे, आधार नंबर इधर लिखेंगे, ये कैप्चा कोड इधर फिल करके तीनों को टिक करना है और यहाँ पर टिक करना है और रजिस्टर में क्लिक कर देना। यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करेंगे, बैंक अकाउंट के साथ सभी स्टूडेंट का आधार लिंक, आधार सेटिंग होना जरूरी है, तो बैंक में जाकर आधार सेटिंग जरूर करा लेंगे। उसके बाद सभी कुछ फिल करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर में क्लिक करना है। रजिस्टर में क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं अभी आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जैसे कि देख सकते हैं इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी करके या फिर आपको लिख लेना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू में क्लिक करेंगे फिर एप्लीकेशन आईडी को इसी में फिल करना है, मतलब जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला उसको, और आपका जो पासवर्ड है वो आपके मोबाइल पे एसएमएस आ गया होगा, आप लोग देख लीजिए जो नंबर दिए हैं, या फिर नहीं आया तो आप लोग का जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट लिखना है, फिर स्लैश देना है, फिर मंथ लिखना है स्लैश, और फिर आपका बर्थडे का ईयर को इस प्रकार फिल कर देना जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। ठीक है, तो हम स्टूडेंट का जो है डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड में फिल कर दिए हैं। उसके बाद पासवर्ड को अभी चेंज करने का ऑप्शन आएगा, तो देख सकते हैं हम यहाँ पर कैप्चा कोड को फिल करते हैं और लॉगिन में यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो वीडियो को आप लोग एक बार कंप्लीट देखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देख सकते हैं लॉगिन हम क्लिक कर दिए, मोबाइल पे भी ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करना, कंफर्म करना। मोबाइल पे अगर ओटीपी नहीं आया या फिर हो सकता आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम मोबाइल नंबर गलत दे दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चेंज मोबाइल नंबर में क्लिक करेंगे, कंफर्म दूसरा मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपके पास है सही सही, फिर कंटिन्यू करेंगे, फिर यही वाला प्रोसेस आ जाएगा, फिर मोबाइल पर आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी फिर भी नहीं आएगा तो रिसेंड ओटीपी करेंगे, फिर ओटीपी आएगा उसको कंफर्म करेंगे। देख सकते हो ओटीपी आपका इस प्रकार भी हो सकता है, सिर्फ जो है अल्फ़ाबेट रहेगा स्मॉल कैपिटल उसको ध्यान देंगे और कंफर्म ओटीपी में क्लिक करेंगे। जैसे कंफर्म करेंगे तो फिर उसके बाद पासवर्ड बदलने का ऑप्शन आएगा, आप अपना अपने नाम के अनुसार पासवर्ड यहाँ पर बदल देंगे। तो देख सकते आपको अपना नाम @123#123 इस प्रकार पासवर्ड बना के सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म जो है इस प्रकार ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अभी यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को कंफर्म करना है, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना लेफ्ट साइड में और इसको थोड़ा स्क्रॉल करना और यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड को एक बार मैच जरूर करेंगे, क्योंकि अभी आप इस फॉर्म को विड्रॉल मतलब डिलीट कर सकते हैं। सही सही सब कुछ मिला लेंगे कि हाँ अभी आपका रजिस्ट्रेशन सही हुआ है या फिर नहीं। अगर नहीं हुआ है तो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं विड्रॉल एप्लीकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर रीज़न लिख देंगे कि माय बैंक अकाउंट नंबर इज़ रॉन्ग सो आई वांट टू विड्रॉल, या फिर माय अकाउंट नंबर इज़ रॉन्ग, आईएफएससी कोड रॉन्ग, जो भी रीज़न लिख के आप यहाँ पर टिक करेंगे विड्रॉल कर देंगे तो ये फॉर्म एनएसपी से डिलीट हो जाएगा, फिर दोबारा आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हमारे केस में सब कुछ सही है, तो हम क्या करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करते हैं, अभी आगे का फॉर्म आपको फिलअप करना, जैसे देख सकते हैं स्टेट आपका आएगा, स्कॉलरशिप कैटेगरी प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक इधर आएगा, अगर इसको भी आप गलत ले लिए प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक पोस्ट ले लिए प्री लेना था प्री ले लिए पोस्ट लेना था, किसी का भी कभी भी अगर गलती हो जाता तो भी आप यहाँ पर विड्रॉल एप्लीकेशन में जाके यहाँ पर रीज़न में लिख देंगे क्या गलती है क्या नहीं गलती है, फिर हाई येलो कर देंगे, फिर भी आप यहाँ पर टिक करके विड्रॉल एप्लीकेशन करेंगे तो आपका फॉर्म जो है ये डिलीट हो जाएगा, दोबारा आप सही सही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी मेरा सब कुछ सही है तो एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करते हैं, उसके बाद आप मिला लेंगे अपना नाम डेट ऑफ बर्थ सब कुछ। उसके बाद धर्म में यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना, अपना धर्म को सेलेक्ट करना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। एक बात आप लोगों को बता दूँ, अगर आप मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन या फिर कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो लास्ट में आप लोग को दो ऑप्शन स्कीम का दो स्कीम आएगा, क्योंकि आप माइनॉरिटी का भी अभी स्कॉलरशिप ओपन है। तो अगर आप धर्म में मुस्लिम वगैरह लेंगे क्रिश्चियन लेंगे और एनएमएमएस का पास किए हैं तो आप स्कीम वही सेलेक्ट करेंगे जो आपका आपको जो सेलेक्ट करना है, जैसे नेशनल मीन्स की मेरिट में आपको 12,000 रुपया का स्कॉलरशिप 4 साल मिलेगा, और अगर आप मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन या फिर कोई भी माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं और टिक करके आप अगर आगे फॉर्म को बढ़ेंगे और आप अगर स्कीम में स्कीम सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा जो कि बताऊंगा, और अगर आप स्कीम में माइनॉरिटी प्री मैट्रिक माइनॉरिटी या फिर कोई भी अदर स्कीम को ले लेंगे तो आपको 3,000-4,000 रुपये पेमेंट मिलेगा। तो इस बात को ध्यान देंगे, सभी स्टूडेंट का स्कॉलरशिप अभी आया हुआ है तो सही सही ही स्कीम को टिक करेंगे। ठीक है, तभी यहाँ पर आप लोग को धर्म को इस प्रकार सेलेक्ट करना, जो भी धर्म में आप अपना अपना सेलेक्ट करेंगे,
उसके बाद कम्युनिटी इधर सेलेक्ट करेंगे। आप लोग अपना अपना धर्म लेने के बाद कम्युनिटी लेंगे, जैसे एसटी एससी ओबीसी क्या है। आप मेरा मत देखिए, हम एक सैंपल आप लोग को दिखा रहा हूँ किस प्रकार फॉर्म भरा जाता है। उसके बाद कम्युनिटी आप लोग इस प्रकार सेलेक्ट करेंगे, अपना फादर्स नेम का फादर्स नेम आप लोग अपना यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। आप लोग अपना मदर्स नेम को यहाँ पर फिल करेंगे, एनुअल इनकम इधर आप लोग को फिल करना जो भी इनकम सर्टिफिकेट में बना है। उसके बाद आप अपना यहाँ पर देख सकते हैं डे स्कॉलर हॉस्टलर, आप हॉस्टल में रहते हैं तो डे स्कॉलर, हॉस्टल में अगर रहते हैं तो हॉस्टलर लेंगे, और हॉस्टल में नहीं रहते घर से डेली अप डाउन करते हैं स्कूल के लिए तो डे स्कॉलर लेंगे। तो यहाँ पर हम डे स्कॉलर लिए, क्योंकि आप हॉस्टलर लीजिए या फिर डे स्कॉलर, एनएमएमएस में पेमेंट आपको 12,000 मिलेगा, इस बात का ध्यान देंगे। अदर स्टूडेंट का होता है क्या कि ज़्यादा मिलता है, तो डे स्कॉलर ले लिए। उसके बाद यहाँ पर आया एकेडमिक ईयर, यहाँ पर ध्यान देंगे, देख सकते हैं एकेडमिक ईयर। यहाँ पर आपको अपने स्कूल को सेलेक्ट करना है, इधर इधर स्कूल सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। इंस्टीट्यूट, सबसे पहले आप कौन सा स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उसका स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, तो हम अपना स्टेट स्कूल का स्टेट लेते हैं। उसके बाद स्कूल का डिस्ट्रिक्ट को इधर सेलेक्ट करेंगे, सभी आएगा स्टेट वाइज। फिर यहाँ पर गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ पर सभी इंस्टीट्यूट का नाम देख सकते हो, लोडिंग हो रहा आ गया। आप लोग को यहाँ पर बहुत सारा पेजेस वाइज रहेगा, देख सकते हो बहुत सारा पेज है, 250 पेज है। तो आपको यहाँ पर सर्च करना थोड़ा सा अपना स्कूल का नाम जो आपको पता है, क्योंकि इससे आपका आसानी हो जाएगा खोजने में। तो देख सकते हैं हमारा स्कूल ये वाला है, ठीक है, हाई स्कूल, ठीक है। यहाँ पर यूडाइज कोड को भी एक बार मिला लेंगे स्कूल का, हाँ यूडाइज कोड सही है, एड्रेस भी मिला लेंगे कि यही एड्रेस है कि नहीं। हो सकता है एक जैसा स्कूल का नाम बहुत सारा स्कूल का हो, तो आप लोग गलत जगह फॉर्म अप्लाई कर देंगे, यूडाइज कोड ही मान्य रहता है। तो यूडाइज कोड अगर गलत रहेगा वहाँ फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो आपका फॉर्म वो लोग रिजेक्ट कर देंगे, फिर वहाँ पर जाकर आपको कॉन्टैक्ट करके आपका फॉर्म को डिफेक्ट करना पड़ेगा। तो सही सही स्कूल को ही टिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद एडमिशन नंबर, एडमिशन इंट्रोलमेंट नंबर अगर आपके पास है, एडमिशन नंबर वगैरह इसको लिखेंगे, नहीं तो इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, एनए लिख देंगे या फिर इसको छोड़ देंगे खाली, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये स्टार नहीं है। एडमिशन का ईयर, अभी आप जो क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं उसका एडमिशन कब किए उसका ईयर लिखना है। रोल नंबर देना है आपका, जो भी है रोल नंबर आपको लेना है। सेक्शन अगर आपको बना सेक्शन देंगे, नहीं सेक्शन बना तो इसको खाली छोड़ देंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट क्लास ईयर, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट क्लास मांग रहा है, 9th 10th आपका है, आप एनएमएमएस अप्लाई कर रहे हैं तो 9th में ही होंगे, तो आपके स्कूल वाइज यहाँ पर क्लास आएगा। अगर ये स्कूल ले रहे हैं और आपका यहाँ पर कोर्स नहीं आ रहा, प्रेजेंट कोर्स अगर नहीं आ रहा 9th में किस में है वो अगर नहीं आ रहा, तो आप अपने स्कूल में जाके बोलेंगे कि सर मेरा स्कूल का जो है एनएसपी में कोर्स का नाम नहीं आ रहा, क्लास का नाम नहीं आ रहा, आप तो आप अपना प्रोफाइल को अपडेट करें एनएसपी में, तो वो प्रोफाइल अपडेट करेंगे स्कूल से, तो आपका फिर 24 घंटा में ये शो होने लगेगा। तो स्टूडेंट 9th में 9th ले लिए। प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, अभी 9th कब से क्लास स्टार्ट हुआ, कब से चालू हुआ स्कूल में, उसका डेट को लिखना है। तो स्कूल में पूछ लेंगे, या फिर आप अपना एडमिशन डेट को देखिए, या फिर अभी एडमिशन 9th में नहीं लिए, कुछ दिन बाद लेंगे 10-20 दिन बाद, तो 10 दिन बाद वाला डेट को फिल करेंगे। मतलब जिस दिन एडमिशन लेंगे उसके बाद आप लोग को स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, तो जिस दिन एडमिशन लेंगे उसका डेट देंगे, या फिर प्रेजेंट क्लास डेट आप लोग लिखिए। मोड ऑफ स्टडी, आप रेगुलर मोड, उसके बाद लास्ट एग्जामिनेशन पास, देख सकते हैं क्लास 8 ऑटोमेटिक आया क्योंकि 9th हम लिए तो 8 आ गया। प्रीवियस ईयर पासिंग कब पास किए, तो अभी 9th में आए 8 इसी साल पास किए, या फिर हो सकता है अभी 8 का रिजल्ट नहीं आया आप लोग का, तो आप अभी फॉर्म को मत भरिए, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा 8 का फिर 9th में एडमिशन लेंगे उसके बाद ही स्कॉलरशिप अप्लाई करना था। लेकिन स्कॉलरशिप इस बार एक महीना पहले ही ओपन कर दिए, तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ लीजिए। क्लास 8 में अभी तो पासिंग ईयर 22 है, अभी तो रिजल्ट आया नहीं बहुत सारे स्टेट का, हमारे स्टेट का भी रिजल्ट नहीं आया, तो 8 का परसेंटेज यहाँ पर मांग रहा है, प्रीवियस क्लास परसेंटेज, मतलब क्लास 8 का परसेंटेज। तो 8 का रिजल्ट जिस जिस स्टेट में आ गया वो लोग अपना अपना परसेंटेज को देंगे, जिस स्टेट में नहीं आया वो लोग वेट कीजिए 8 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही आप लोग स्कॉलरशिप को अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी बहुत जगह बहुत स्टेट में एनएमएमएस का भी रिजल्ट नहीं आया है, तो आप लोग रिजल्ट को देख लीजिएगा, आप पास करेंगे तो आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस उसके बाद देख लीजिए 8 का परसेंटेज यहाँ फिल करना, फिर कम्पिटिटिव क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप लोग को लेना है एनएमएमएस के लिए, यहाँ पर टिक करेंगे तीर वाला में, एनएमएमएस लेना है। एग्जाम कंडक्ट बाय कौन सा स्टेट आपका है, कौन सा स्टेट से दिए एनएमएमएस, उस स्टेट को सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार। उसके बाद आपको जो है एनएमएमएस का रोल नंबर को यहाँ पर फिल करना है, जैसे
यहाँ पर टिक करना है, दो चार बार टिक करेंगे काम करेगा। यहाँ पर रोल नंबर को सेलेक्ट करना है, तब NMMS वाला रोल नंबर जो लिस्ट में देख लीजिए, या फिर आप अपना एडमिट कार्ड को देखिए, एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर होगा ही, एडमिट कार्ड में रोल नंबर को देख देख के यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार रोल नंबर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ईयर, कौन साल आप एग्जाम दिए, 2022 में इसी बार एग्जाम दिए। अगर आपका सेशन लेट चल रहा, आपका हो सकता बहुत सारा एक दो स्टेट का होता है कि एक साल सेशन लेट चलता है NMMS का, तो आप लोग का अगर स्कीम नहीं आया 7 कंटिन्यू करने के बाद, अगर नेशनल मीन्स की मेरिट स्कीम नहीं आया, तो कम्पिटिटिव एग्जाम जो ईयर है इसको एक बार बदल के देखेंगे, 2021 करके देखेंगे, 7 कंटिन्यू करेंगे, हो सकता है स्कीम आ जाए, नहीं तो इस बार के लिए 2022 ही होगा। ठीक है, 2022 ले लिए। उसका अर्पण, इज अर्पण मतलब जो स्टूडेंट है वो अनाथ है, मम्मी पापा दोनों ही नहीं है, तो नहीं है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। गार्जियन का नाम यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, फादर्स नेम। डिजेबिलिटी, स्टूडेंट अगर फिजिकली हैंडीकैप है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ऐसे भी NMMS का स्कीम तो आएगा ही, तो इधर डिजेबिलिटी है तो देंगे, डिजेबिलिटी का परसेंटेज देंगे, कौन सा डिजेबिलिटी है उसको लिखेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। मेरिटल स्टेटस, स्टूडेंट का शादी हो गया तो मेरिट करेंगे, नहीं हुआ तो अनमेरिट। पेरेंट्स प्रोफेशनल, यहाँ पर आप लोग NMMS एग्जाम, NMMS मतलब देखिए नेशनल मीन्स को मेरिट जो है स्कीम अप्लाई कर रहे हैं, तो पेरेंट्स का प्रोफेशनल में कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर अदर करेंगे, अदर देख सकते हैं, पेरेंट्स प्रोफेशनल अदर ही करेंगे, क्योंकि दूसरा कुछ लेंगे तो दूसरा स्कीम खुल जाएगा, उधर दूसरा स्कीम आ जाएगा, तो उतना नहीं करना, अदर ही लेना है, और सेव एंड कंटिन्यू में आपको क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो देख सकते फ्रेंड आपके सामने इस प्रकार एक स्कीम आएगा, नेशनल मीन्स को मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। अगर आप मान के चलिए दूसरा कास्ट का भी है, जैसे आप अगर माइनॉरिटी में आते हैं, तो आप माइनॉरिटी में अगर आते हैं सिख ईसाई क्रिश्चियन मुस्लिम, तो आपके सामने दो स्कीम शो होगा, एक प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम माइनॉरिटी, और एक नेशनल मीन्स को मेरिट स्कॉलरशिप। तो आप अगर NMMS का जो है स्कीम का अप्लाई करेंगे तो NMMS में टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अगर प्री मेट्रिक के लिए अप्लाई करेंगे तो प्री मेट्रिक कम पैसा मिलेगा तो प्री मेट्रिक नहीं लेंगे, NMMS को ही टिक करेंगे। उसके आगे आपको होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना अपना, उसके बाद आप रूरल एरिया पड़ता है आपका कि अर्बन, मतलब शहरी आप है कि ग्रामीण, तो इधर रूरल में टिक करेंगे। उसके बाद आप अपना जो है सब डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे, जैसे एरिया जो भी पड़ता है उसको, उसका विलेज का नाम भी इधर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आपका गांव का नाम आ जाएगा, पिछले साल नहीं था ये सब, तो बहुत कोई गलती कर रहा था इसलिए विलेज नाम आ गया। हाउस नंबर दे सकता है, या फिर आप लोग अपना विलेज आ गया तो पोस्ट ऑफिस इस प्रकार दे सकते हैं, पोस्ट ऑफिस आपका कहाँ, पुलिस स्टेशन का भी नाम इस प्रकार आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद आप लोग को इधर पिन नंबर लिख देना, पिन कोड लिख दिए। उसके बाद आपको क्या करना, देखिए उसका जो NMMS का जो स्कीम है, इस स्कीम में नेशनल मीन्स को मेरिट में इसमें टिक करना है। जैसे आप NMMS वाला स्कीम में टिक करेंगे, टिक करने के बाद आपके सामने अभी डॉक्यूमेंट इधर अपलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड, उससे पहले आप एक बार इस फॉर्म को सेव एज ड्राफ्ट में क्लिक करेंगे, जिससे कि आपका फॉर्म जो है सेव हो गया, यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं, सेव हो गया। इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल मीन्स को मेरिट हो गया, और फाइनल सबमिट अभी नहीं करना आप लोग को, क्योंकि बोनाफाइड को अभी आप लोग अपलोड नहीं किए हैं, तो बहुत सारे स्कूल कॉलेज बोलते हैं बोनाफाइड अपलोड करें नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे, तो आप लोग को स्कूल में पूछ लीजिएगा, बोनाफाइड अपलोड करना जरूरी है तो अपलोड करेंगे, नहीं तो फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो बोनाफाइड को इधर से राइट साइड में क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे, अभी कोई फाइनल सबमिट नहीं करेंगे। उसके बाद आपका नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आएगा, यहाँ पर देख लेंगे, स्कूल का रोल नंबर आएगा, यहाँ पर आप अपना फ़ोटो को चिपकाएंगे, फ़ोटो चिपकाने के बाद स्कूल में जाएंगे, स्कूल का हेडमास्टर यहाँ साइन करेंगे, उसके बाद स्कूल का सील मतलब मुहर लगाएंगे, इसको प्रिंट करा लेंगे, उसके बाद उस पेज में मुहर वगैरह लगा के ले आएंगे, फिर आप स्कैन कर लेंगे या फ़ोटो खींच लेंगे, और अपना फॉर्म को दूसरा दिन फिर से लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे, जैसे मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ, इसको लॉगआउट करते हैं। जैसे आप दोबारा दूसरा दिन आएंगे, फिर NSP स्कॉलरशिप ओपन करेंगे, जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट को साइन करा कर ले आएँ, अभी हम फाइनल सबमिट नहीं किए। उसका फिर से हमको फ्रेश एप्लीकेशन जो है लॉगिन में क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर फिल करते हैं, पासवर्ड को फिल करेंगे, जो पासवर्ड अभी आप नया बनाएं, आपका नाम @123H123, वो पासवर्ड फिल करके आपको लॉगिन में क्लिक करेंगे, तो देख सकते हैं मेरा फॉर्म फिर से लॉगिन हो गया। फिर एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करते हैं, सब कुछ भरा हुआ रहेगा, जैसे भरे थे सब कुछ मिला लेंगे कि सही सही है या फिर नहीं है, सब कुछ सही है, फिर डायरेक्ट सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, आपका इस प्रकार फिर से स्कीम शो होगा, और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा अपलोड करने का, देख सकते हैं अभी हम फाइनल सबमिट नहीं किए, अभी यहाँ पर एक्शन वाला में जाएंगे, अपलोड वाला में जाएंगे, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर 01 कुछ भी दे दीजिए, डेट वगैरह नहीं भी देंगे,
तो भी चल जाएगा, अपलोड वाला में जाएंगे और आप अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट को इस प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, और अपलोड नाउ में क्लिक कर देना है। जैसे अपलोड नाउ में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका थोड़ा देर में यहाँ पर जो है अपलोडेड सक्सेसफुली दिखेगा, जो कि अभी थोड़ा सा लेट ले रहा है क्योंकि सर्वर इसका हमेशा इसी प्रकार रहता है डॉक्यूमेंट अपलोड में, तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता हो गया होगा। इसको काट देते हैं, एक बार सेव एज ड्राफ्ट करते हैं, फिर दोबारा पेज देख सकते हैं रिफ्रेश होगा, इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, क्योंकि हो सकता है सर्वर के कारण वो बताया नहीं, लेकिन रिफ्रेश किए पेज को, सेव एज ड्राफ्ट किए, ऑटोमेटिक रिफ्रेश हुआ पेज और यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। आई बटन आ गया, आई में क्लिक करके व्यू करके आप अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट देख लेंगे, देख सकते हैं सही है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर फाइनल सबमिट में क्लिक कर देंगे। जैसे फाइनल सबमिट में क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज आएगा NMMS का स्कॉलरशिप स्कीम का पेज, उस पेज को लेके आप अपना स्कूल चले जाएंगे सब और उस वहाँ पर जमा करेंगे, स्कूल में पूछ लेंगे आधार कार्ड इस पेज को, या पर कास्ट इनकम ये सब लगेगा, अगर आप कास्ट में हैं तो कास्ट लगेगा, इनकम वगैरह आपको देन जमा करना पड़ेगा स्कूल में, अगर मांगेगा तो आप उसको जमा कर देंगे स्कूल में, बस आपका फॉर्म सक्सेसफुली जमा हो गया। उसके बाद आप कभी भी लॉग आउट कर देंगे, उसके बाद लॉगिन कर करके आप लोग स्टेटस को चेक करेंगे, जो भी नया नया अपडेट आएगा पेमेंट रिलेटेड सभी स्टेटस रिलेटेड मैं अपडेट करता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और भी कोई जानकारी चाहिए और भी कोई स्कीम को अप्लाई करना तो वीडियो पर कमेंट जरूर करें। चलिए फ्रेंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।